नमस्कार, आप देख रहे हैं namo4media.com। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने झांसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 60 महीने में बेरोजगारी को दूर करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोली है, बल्कि उन्होंने 60 महीने का समय मांगा है। उनके हिसाब से देश को क्या लाभ होना चाहिए वह करके दिखा रहे हैं। पूरे विश्व में भारतवर्ष को इतनी प्रशस्ति प्राप्त हुई है, इतना मनोबल बढ़ा है कि कोरोना काल में हम यूएस को दवाइयां बेचते थे। बेरोजगारी का प्रश्न जो है वो मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला है कि 60 महीने में बेरोजगारी दूर हो जाएगी। मोदी जी ने 60 महीना मांगा है, उसमें उनके विचार से देश को क्या लाभ होना चाहिए वो करके दिखा रहे हैं। जब पूरे विश्व में भारतवर्ष को इतनी प्रशस्ति प्राप्त हुई है, इतना मनोबल हमारा मजबूत हुआ है कि कोरोना काल में हम यूएस को दवाइयां भेजते थे, ये जो शक्ति प्रदान हुई है ना, ये 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट के कारण हुई है। टमाटर आलू प्याज 60 के पास है, क्यों नियंत्रण नहीं है महंगाई पर? जब आलू और टमाटर रोड पे फेंके जाते थे, भाव नहीं मिलते थे, तब की भी बात करने जाए तब तो महंगाई कम होगी। ये तो सीजन है, बारिश बहुत गिरी है, तो दे रहे हैं आप। नहीं, ऐसी बात गलत है। बारिश गिरी है ज्यादा, इससे फसल बिगड़ गई है और इसके कारण जो हो रहा है, सरकार प्रयत्नशील है ही। हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं जब हमारे घर का अनाज बिगड़ गया है, हमारे घर की फसलें बिगड़ गई हैं, तो इसके लिए फिर थोड़ी दिक्कतें तो खड़ी होगी ना। जब प्याज की दरें कब तक नियंत्रण में आ सकती है, क्या लगता है? प्याज की दरें, नया प्याज बाजार में आएगा सीजन का, तो अपने आप आ जाएंगे। तब तक में सरकार इंपोर्ट करने की भी सोचेगी और आ जाएगा। मोदी जी जब चाय बेचते थे तो क्या आपकी आय का जरिया वही था परिवार की? मोदी जी जब चाय बेचते थे तो हम स्कूल की फीस नहीं भर सकते थे, ये हमारी हालत थी। आपने भी चाय बेची होगी? हम सब भाइयों ने बेची है। मेरे पिताजी बेचते थे, हम पिताजी के धंधे में हाथ बटाते थे। मोदी जी भी बटाते थे, हम भी बटाते थे, मैं भी मोदी हूँ, इसलिए आप फिर से वो सवाल ना करें कि मोदी जी बटा देते और आप कौन हो, इसलिए आपको सीधा कर जवाब दे देता हूँ। माता जी क्यों नहीं मिलती है मोदी जी के साथ, क्या कारण है? मोदी जी ने साथ, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जी ने 70 में घर छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने जब गृहत्याग किया तब परिवार की आज्ञा अनुसार परिवार ने स्वेच्छाएं उनको विदाई दी है। और उस दिन से नरेंद्र दामोदर मोदी, नरेंद्र दामोदर मोदी दामोदर मूलचंद परिवार से हटकर भारत माता का बेटा बन चुका है और भारतवर्ष की सभी माताएं उनके लिए माँ है, सभी बहनें उनके लिए बहन है और सभी भाई उनके लिए भाई है। ये मत पूछना कि सभी औरतें उनकी पत्नी हैं, ये मत पूछना। बोलिए भाई साहब, एक बात और है, अंतिम सवाल है। हाँ, जो पूछो, मैं आया हूँ। चीन से काफी समय से तनातनी चल रही है, आपको क्या लगता है युद्ध होगा? मैं इतना समझता हूँ, मैं छोटा था और चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, तब मोहल्ले में हम डर के घूमते थे, चीन वाले मार डालेंगे। आज मेरी उम्र का लड़का भी कहता है, बेटी भी कहती है कि चीन वाले को तो दिखा देंगे। बस इतना है।